अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो एक एक्सरसाइज है यूनिट 6 जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, इसकी मैं वीडियो बनाई, मैंने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्री रीडिंग एक्सरसाइज, हु डू यू लाइक द मोस्ट अमंग योर फैमिली मेम्बर्स, किसको ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स से पसंद करते हैं। आई लाइक माई मदर द मोस्ट अमंग माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करता हूँ फैमिली मेम्बर्स में। वाई डू यू लाइक हर, आप उसको क्यों पसंद करते हैं। आई लाइक हर बिकॉज ऑफ हर इक्वल केयर फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स, शी स्पीक सॉफ्टली एंड रनस अ हाउस जेंटली। हाउ कैन वी अर्न मोर रेस्पेक्ट फ्राम द पीपल, हम लोगों से कैसे इज्जत हासिल कर सकते हैं। वी कैन अर्न मोर रेस्पेक्ट फ्राम पीपल बाई गिविंग देम इन रेस्पेक्ट इन रेस्पॉन्स, उनको रेस्पेक्ट दे के रेस्पॉन्स में, ठीक है। स्पीक जेंटली, स्पीक जेंटली जो है ये इसके MCQs जो है मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। द मेन आइडिया ऑफ द पोम इज टू स्पीक जेंटली विद ऑल पीपल। नंबर टू, बाय स्पीकिंग जेंटली वी अट्रैक्ट पीपल्स लव। नंबर थ्री, स्पीक जेंटली इज समथिंग स्मॉल। नंबर फोर, वी शैल हैव गुड रिजल्ट्स ऑफ स्पीकिंग काइंडली इन द शॉर्टली। नंबर फाइव, वी शुड स्पीक काइंडली टू द ओल्ड बिकॉज दे विल लीव द वर्ड शॉर्टली, बूढ़े सो भी, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर टू वर्ड्स मीनिंग है, तो जेंटली की मीनिंग है, नंबर फर्स्ट वर्ड की मीनिंग है सॉफ्टली और काइंडली। नंबर सेकेंड वर्ड जो है हार्श की मीनिंग है रूड एंड रफ। मार की मीनिंग है स्पॉयल, ख़राब करना। एक्सेंट्स मीन टोन वॉइस, लहजा। एजड मीन ओल्ड। ग्रीव मीन कॉज अनहैप्पीनेस। केयर वॉन मीन टायर्ड। इटर्निटी मीन अंडर गोइंग टाइम्स और फॉर एवर। एक्सरसाइज नंबर थ्री, ओके लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर थ्री। अच्छा, ये मैच करने हैं, जंबल ऑर्डर में है, मैच करने हैं। जैसे ए, ये ए वाला है, तो ए वाला किस से मैच, बी वाले से मैच करना है, ये बी है, ठीक है। तो नंबरिंग है, मैच कर, मैंने मैच ही की है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। सी में आंसर लिखने हैं, मैंने सी में भी आंसर लिखे हैं। स्पीक जेंटली टू एवरी वन टू विन पीपल्स हर्ट्स, बी का पहले का पाँचवा नंबर। दूसरे का, स्पीक जेंटली सो इज नॉट टू, फोर नंबर। वाइप आउट ऑल द गुड वर्क डन। नंबर थ्री, स्पीक जेंटली टू लिटिल चिल्ड्रेन एंड टीच देम इन सॉफ्ट मैनर, सिक्स। थर्ड का सिक्स करेक्ट है। फोर्थ का, स्पीक जेंटली टू ओल्ड पीपल, इसका वन करेक्ट है, सो इज नॉट कॉज देम अनहैप्पीनेस। नंबर फोर का वन। फाइव, स्पीक जेंटली एज इट इज़ समथिंग स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट, ये से फाइव का थ्री सही है। स्पीक जेंटली एज ओनली टाइम विल शो इट्स इम्पैक्ट्स एज पीपल्स लाइव्स। लास्ट सिक्स का सेकंड इज करेक्ट। नंबर फोर एक्सरसाइज, वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द पोएट आस्क्स अस टू स्पीक जेंटली, रीजंस बताएं, ठीक है। नंबर फोर एक्सरसाइज में ये अंडरलाइन में मैंने रीज़न ही बताए हैं कि भाई वी शुड स्पीक जेंटली टू एवरी वन बिकॉज, क्यों स्पीक जेंटली करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू फॉर टू रूल बाय लव देन फेयर, मोहब्बत से रूल करना चाहिए, डर से, खौफ से नहीं, ठीक है। नंबर बी, वी शुड नॉट स्पीक हार्श मैनर बिकॉज वी आर हेयर टू डू गुड थिंग्स, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी चीज़ें करने वाले आए हैं, हार्श नहीं होना चाहिए। वी शुड टीच चिल्ड्रेन इन सॉफ्ट मैनर बिकॉज दे विल रेस्पॉन्स वाट एवर टीच टू देम, वो वही रेस्पॉन्स करते हैं जो ही हम, जो भी उनको सिखाते हैं हम लोग। वी शुड नॉट कॉज अनहैप्पीनेस टू ओल्डर पीपल बिकॉज दे आर नियर टू डाई, वी शुड लेट देम डाई हैप्पीली, वो मरने वाले होते हैं बूढ़े, उन लोगों से हम लोग हार्शली ना यूज़ ना करें, उनको सुकून से मरने दें। स्पीकिंग जेंटली इज़ अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन वन्स लाइफ, ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है ज़िंदगी में छोड़ देती है। एक्सरसाइज नंबर फाइव, वर्स नंबर वन सही है, वर्सेस और उसकी जो है, वी शुड स्पीक जेंटली, आवर वर्स शुड बी सॉफ्ट काइंड एंड लवली, ठीक है। अच्छा, नंबर बी, लवली वाइल वाइल स्पीकिंग इट विल स्प्रीड गुडनेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ए का बी जो मैंने लिखा है, वर्स नंबर टू ए बी, मतलब पहली वर्स को दूसरी वर्स से मिलाना है एक्सप्लेन करके। वी शुड टीच सॉफ्ट एंड जेंटल एक्सेंट टू लिटिल चिल्ड्रेन एज दे मे लर्न द वे एंड अप्लाई इन देयर अडल्टनेस एंड मैनहुड। नंबर टू वर्स जो है, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन के साथ वर्स मिलानी है।
वी शुड स्पीक जेंटली टू द ओल्ड वन एंड मेक देम नॉट अनहैप्पी देयर टाइम ऑफ लाइफ इज टू शॉर्ट दे शुड बी डिपार्टेड पीसफुली नंबर फोर स्पीक जेंटली इज लिटिल थिंग इट रिमेन्स फॉर एवर एंड इट्स रिवॉर्ड इज ऑल्सो इटर्नल एक्सरसाइज नंबर सिक्स जो है इसकी समरी लिखनी है तो समरी मैंने लिखी है शॉर्ट सी समरी लिखी है सिंपल सी समरी लिखी है देख लीजिएगा द पोएम स्पीक जेंटली इज रिटन बाय डेविड बैट्स ही वॉज बॉर्न इन 1809 ही डाइड इन 1870 द पोएम इज अबाउट द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ मैन इन दिस पोएम द पोइट एम्फेसाइजेज ऑन स्पीकिंग जेंटली एवरी वन शुड स्पीक जेंटली द चिल्ड्रेन शुड बी taught kind and soft accents, the aged should be cared, the people should not speak harshly to them, their life is too short, they should be dispirited, departed peacefully, speak gently is a little thing but its reward is eternal, the reason the person will definitely gets its reward here in the world and the world hereafter. ये समरी है इनकी मैंने आप लोगों से शेयर की सॉरी एक्सरसाइज नंबर सेवन थिंग्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस से चीज़ें रिलेटेड हैं वो लिखनी है और जो हर्ट मतलब दिल दुखाती हैं चीज़ें वो लिखनी है हमें तो ये चीज़ें जो हैं रिलेटेड है हैप्पीनेस से स्पीक जेंटली नर्म लहजे से खुशी मिलती है मोहब्बत से खुशी मिलती है सॉफ्टनेस से खुशी मिलती है माइल्डनेस से खुशी मिलती है ट्रुथफुलनेस से खुशी मिलती है सिंपलसिटी से खुशी मिलती है बाकी आप लोग खुद भी लिख सकते हैं इसको अच्छा उसके बाद है जो दुख दुख पहुंचाती है हार्शली स्पीक करने से फेयर डराने से हार्शनेस स्टिकनेस झूठ बोलने से माइजरी जो है कंजूस पाई से स्नोबरी जो है दिखावे से भी दुख मिलता है एक्सरसाइज नंबर एट जो है ये सेल्फ प्रैक्टिस है ओरल प्रैक्टिस है ठीक है तो ये यूनिट नंबर सिक्स था जो मैंने आप लोगों को सारी एक्सरसाइज सॉल्व दिखाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा आ जाएगा बाकी यूनिट टू की एक्सरसाइजेज रहती हैं दो की वो भी मैं सॉल्व कर लूँगा और कुछ ग्रामर की भी और इनके पूरे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विद MCQs वो जल्द आप लोगों से मैं शेयर करूँगा अल्लाह हाफिज़